सभी को प्रेरित लॉर्ड जय मसीह की। फिर से स्वागत है आप सभी का नाइट प्रेयर में और भोर की प्रार्थना में। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, जो आप पैगाम देते हो नाइट प्रेयर में वो पूरा होता मैं विश्वास करता हूँ। जितने भाई बहन इस नाइट प्रेयर में जुड़ रहे हैं, शामिल हो रहे, चाहे वो एक में हो चाहे वो रेगुलर में हो, पिता उनके जीव में अद्भुत कार्य करना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर से परमेश्वर धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर एक बार फिर से मैंने नाइट प्रेयर को पूरा करा, परमेश्वर की उपस्थिति हो, हालेलुया। आज प्रभु ने कहा है कि अचानक आपके जीवन में कार्य होंगे, क्योंकि जब हम नाइट प्रेयर करते हैं, देखो नाइट प्रेयर का कितना बड़ा लाभ होता है, या आज आपको वचन से पता चलेगा। नाइट प्रेयर का मतलब ये नहीं होता कि हम रात को जग रहे हैं। मैं नाइट प्रेयर से बहुत खुश क्यों होता हूँ, हमेशा बताता हूँ, शैतान हारता है। हमने अपनी रातें पाप के लिए अपने लिए यूज करिए, क्योंकि जब हम नींद को कुर्बान करके परमेश्वर के लिए जगते हैं, प्रार्थना करते हैं और प्रतिफल की चिंता नहीं करते, तो परमेश्वर हमें प्रतिफल बिल्कुल देता है। हालेलुया, हम परमेश्वर के लिए जाग रहे ताकि हम शैतान को हरा सके। और जब हम परमेश्वर के लिए जागते हैं तो शैतान को थप्पड़ लगते हैं। मेरे अजीजों याद रखना, हर व्यक्ति हर किसी जाग सकता है, क्रिकेट मैच के लिए, फिजिकलेशन के लिए, पति पत्नी एक दूसरे लड़ाई करने के लिए जाग सकते हैं, बुराई के लिए जाग सकते हैं, सबके लिए जाग सकते हैं। अंधकार की शक्तियां जागती रहती है ना, लेकिन जब हम प्रभु के लिए जागते हैं तो अंधकार की शक्ति को बोल लगता है, चिड़ बसती है और शांति का पैगाम आता है। दूसरा कि जब हम जाग के प्रार्थना करते हैं तो हमारे लिए नहीं, बल्कि हम जिनके प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर बाड़ा बांधता है, क्योंकि रात के अंधेरे में शैतान एक्टिव होता है और परमेश्वर का जब आत्मा उतरता है तो शैतान के सारे तीरों को कैंसिल करता है। आइए प्रार्थना करें। सबके लिए धन्यवाद करते पिता, आज के वचन हम सबके जीवन में कार्य करें, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। वचन दिया प्रभु ने मुझे प्रेरितों के काम 16 अध्याय उसका 25 लिखा है, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदियों की सुन रहे थे। क्या बात है, आधी रात को बंद है, हम तो फिर भी अपने घर में है, वो तो कैद में है, जबकि इनको चिंता होनी चाहिए, अरे बाहर कैसे जाएंगे, अरे क्या होगा। बिना चिंता बिना फिक्र के वो गाना गा रहे, परमेश्वर की स्तुति कर रहे, और जबकि हम क्या कह सकते हैं, अरे हमें आशीष नहीं आई, हम क्यों गाने गाए, हम क्यों परमेश्वर की महिमा करें। वो बंद थे, कैद में थे, और फिर वो परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, जबकि उन पर कोई ऑप्शन नहीं था। वो चिंता में हो सकते थे, वो प्रभु को बोड़बड़ कर सकते थे, अरे प्रभु हम सेवा करने वाले, हम यहाँ हैं, तो मैं निकाल, रो के प्रार्थना कर सकते थे। रो के प्रार्थना करना बुरी बात नहीं है, लेकिन उस कंडीशन को देखो। आज हमारे पास तो पंखा है, लाइट है, कोई अपने घर में एसी में प्रार्थना कर रहा होगा, कोई अपने गद्दे बैठ के प्रार्थना कर रहा होगा, कोई कंडीशन में अलग अलग प्रार्थना कर रहा होगा, लेकिन फिर भी बड़े आराम से प्रार्थना कर रहे होंगे। उनको देखो, वो कैसे प्रार्थना कर रहे थे, बंधे हुए जेल के अंदर, और फिर भी परमेश्वर के गीत गा रहे थे। हालेलुया, लिखा है आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते समय परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनके सुन रहे थे। अब देखो, जाग के प्रार्थना करना आधी रात को, अब ये भोर का समय है, हम पूरी रात प्रार्थना करते हैं 12 से 4 बजे तक 4:30 तक, और इस प्रार्थना के बाद ये फिनिशिंग प्रार्थना होती है, आप सो सकते हो, अपना काम कर सकते हो। लेकिन हाँ, जब तक नाइट पे चलेगी, आपको पति पत्नी को फिर मैं याद दिला रहा हूँ, फिजिकल नहीं करना है आपको, ठीक है, एक नहीं होना है। ये नहीं कि प्रार्थना खत्म हुई फिर आप फिजिकल करने लगे, नहीं होना, ये पवित्रता में है, ये परमेश्वर के पैगाम है। फिर क्या लिखा है, इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया। भूकंप ये परमेश्वर का है, शैतान वाला भूकंप नहीं जो इंसान कहता है डर वाला, डरना नहीं, ये परमेश्वर का है। जब परमेश्वर आता है तो हिला देता है। इतने में एक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदी घिरे कि नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सब के बंधन खुल पड़े। ये परमेश्वर की ओर से है, जब नाइट प्रेयर हम करते हैं तो बंधन टूट जाते हैं, शैतान हार जाता है और शैतान के गढ़ ढाई जाते हैं। दरोगा ये जानकर उठा, जाग कर उठा, बंदी घिरे के द्वार देखकर समझा कि कैदी भाग गए, अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, सुसाइड करना चाहा। आज हो सकता है बहुत काम आपके खराब होने से सुसाइड करना सोचते हो, परमेश्वर आपको रोकेगा। हालेलुया, परंतु पौलुस ने उसी शब्द से पकड़ कहा, अपने आप को हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। तब वह दिया मंगवाकर लिपका और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के कदमों में गिरा और ये उनको भाल लेकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं, जबकि दरोगा था उनको मार के पीट के बंद कर रहा। अब वो कह रहा है कि उद्धार पानो, क्या करो। एक रात में अचानक प्रभु ने बदल दिया, सिर्फ एक पल में ही। आज हो सकता है आपका पति दरोगा जैसा हो, आपकी पत्नी दरोगा जैसी हो, यानी कि हटेली हो, हटेली लोग हो, नहीं मान रहे, कट्टर हो, आपका बॉस हो सकता है, कोई भी हो, एक नाइट प्रेयर आपके जीवन बदल देगी, उस इंसान को बदल देगी जो आपके ऊपर अत्याचार कर रहा है, दरोगा जैसा बना हुआ है, संताप में है, बदल देगा, चाहे पड़ोसी हो, घर हो, परिवार कहीं भी हो। और वो आपके सामने यही कहेगा, हे प्रभु हम उद्धार के लिए क्या करें, हे सज्जनों। अब क्या कहा पौलुस सिलास ने, उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू तेरा घर उद्धार पाएगा। और उन्हें उसको उसके सारे घराने के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया और रात को उसी घड़ी
उसने ले जाकर उनके घाव धोए और उसने अपने भी लोगों समेत उन पर तुरंत बपतिस्मा लिया। तब उसने उन्हें अपने घर ले जाकर उनके आगे भोजन रखा और सारे घराने समेत परमेश्वर विश्वास करके आनंद किया। क्या बात है, एक ही रात में बदल दिया। हम उस परमेश्वर को मानते जो पल भर में चेंज कर सकता है सब कुछ, परिस्थितियों को हमारे फेवर में कर सकता है। तभी कहते हैं कि परमेश्वर को छोड़ के मत जाओ। आज आपके परिस्थिति कैसे भी हो, लेकिन वो वही परमेश्वर है। चाहे वो दरोगा कितने साल से दरोगा बना था, कितने साल से वो क्रोध में हठीला लोगों को सताता होगा, एक पल, बस एक पल ने बदल दिया। वो पल कब आएगा? जब हम परमेश्वर के साथ बने रहेंगे। आज वो परमेश्वर के साथ बने रहो आप, कंडीशन कोई भी हो। एक पल वो आना ही अचानक वाला, और हो सकता है ये नाइट प्रेयर इसलिए चल रही हो, ये नाइट प्रेयर आते के साथ आपकी लाइफ चेंज हो जाए। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं वचन प्रार्थना संदेश आपके हुआ। आज बहुतों को प्रार्थना की जरूरत थी, संदेश की जरूरत थी, क्योंकि हार चुके थे, टूट चुके थे, लेकिन आज आपने ये नाइट प्रेयर में ये पैगाम दिया कि इस नाइट प्रेयर का कितना महत्व है हमारे जीवन में। जब हम नाइट प्रेयर करते हैं तो चेने खुल जाती, द्वार खुल जाते हैं और दरोगा जैसे भी घुटने टेक देते हैं। आज इस पैगाम के लिए धन्यवाद। आज बहुतों के जीवन में बंधन है, पिता कैद में है, बाहर नहीं निकल पा रहे, चिंता में है, परेशानी में और दुर्गा जैसे में है। आज इन सबका उद्धार कर, आज अभी इसी वक्त ये अचानक वाली प्रार्थना इनके जीवन में आ सके, पूरी हो सके, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह। प्रभु आपका आशीर्वाद।